Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. SCM Rush जो है ये आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए टूल है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं लाइक विकी हाउस से मैं कोई कीवर्ड लेके आता हूँ। विकी हाउ एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं जी कैटेगरीज में जाके हॉबीज एंड क्राफ्ट में चला जाता हूँ। कल हम लोग होम एंड गार्डन में गए थे तो हॉबीज एंड क्राफ्ट में जाइए। यहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कोई एक टॉपिक या ये भी हो सकता है कि हम लोग ये जो है लिंक ये सारे का सारा यहाँ पे दे दें, इसको कॉपी करें, इसको SCM Rush में यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, और इसको सर्च कर लें। तो ये क्या करेगा SCM Rush, ये जो विकी हाउ के इस पेज इस कैटेगरी में जो जो कीवर्ड्स हैं वो सारे निकाल देगा आपको। जिन कीवर्ड्स के लिए विकी हाउ का ये पेज रैंक हो रहा है ना, वो सारे के सारे कीवर्ड ये आपको बता देगा SCM Rush। तो ये लोड हो रहा है, अभी लोड होते ही ये आपको शो करेगा। मैंने अभी यहाँ पे कंट्री US रखा है तो मुझे US में इसके ऊपर चाहिए कीवर्ड्स चाहिए। अच्छा जी, बड़ी थोड़ी सी ट्रैफिक है इसकी, 63 दे रहा है। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे टॉप। ये देखिए यहाँ पर इसके कीवर्ड शो कर रहा है हॉबीज एंड क्राफ्ट्स, इसमें सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। ये लाइव अपडेट लिखा हुआ है ना, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे आपने करना नहीं है। जस्ट के इससे आप किसी भी डोमेन के कीवर्ड देख सकते हैं। आपका कोई कंपेटिटर है उसकी आपने लाइव अपडेट देखनी है कि उसके कितने कीवर्ड रैंक हैं, तो विकी हाउ के इस पेज के US में 61 कीवर्ड हैं, ठीक है। इस पेज के ऊपर सर्च इंजन से 61 कीवर्ड के जरिए से ट्रैफिक आ रही है, ये आपको शो कर देता है SCM Rush, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, किसी को आप वन लिखिए अगर ये इतना समझ आ गया कि विकी हाउ के इस पेज के ये कीवर्ड्स जो SCM Rush शो कर रहा है इनकी मदद से उसको ट्रैफिक मिल रही है गूगल से। ओके फाइन, गुड। तो इसी तरह आपने अगर किसी भी वेबसाइट के देखने हैं कि वो किन कीवर्ड से ट्रैफिक ले रही है तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं, और आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी। जी मिसेस फारूक, आप लोग इस पे वेबसाइट बना सकते हैं एग्जैक्टली। अगर इनमें से कीवर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं, कुछ पसंद आते हैं, उन कीवर्ड्स पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो ये क्योंकि फ्री वाला है तो फ्री वाले में आपको ये इतने ही फर्स्ट में इतने कीवर्ड ही दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जुलाई 2016 का डाटा है इसके पास, तो ये वाला अगर कीवर्ड आप देखें हॉबीज एंड क्राफ्ट, ये सिर्फ 6 दिन पहले का डाटा है। तो SCM Rush इसलिए ज़्यादा ज़बरदस्त टूल है कि आपको लाइव डाटा देता है और उसकी मदद से आप अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छे चाहिए तो मैं इसको wikihow.com कर देता हूँ, तो आपको wikihow के ही कीवर्ड मिलेंगे। अब आपको पता चलेगा कि wikihow.com जो साइट है उसको गूगल से किस किस कीवर्ड से ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे wikihow.com लिखा और ये SCM Rush आपको बताएगा कि wikihow.com पे गूगल में किन किन कीवर्ड की मदद से ट्रैफिक आ रही है। अभी मुझे कोई इशू लग रहा है इसमें,
नहीं तो यहाँ पर ट्रैफिक आनी चाहिए। आप लोग अपनी साइट पर जरा चेक करें SEM रश में wikihow.com लिख के। मेन पेज पे देख लें जी, मेन पेज बिल्कुल। हाँ उन्होंने अपनी रूट डोमेन का ये नेम रखा हुआ है, एग्जैक्टली मेन पेज। जी एग्जैक्टली, असल में ये था मेन पेज के ऊपर उन्होंने अपनी साइट सेट की हुई है, तो हम लोग, मैं सिर्फ डॉट कॉम तक चेक कर रहा था। तो मेन पेज पे देखें, वो बोल रहा है कि गूगल में इसके 560 कीवर्ड्स हैं, यूएस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ गूगल यूएसए में 560 कीवर्ड्स हैं, 355 के ट्रैफिक है मंथली, मतलब 355,000 बंदा इसमें सर्च इस पे आता है यूजिंग गूगल, यूएस के जरिए से गूगल से आता है, और मतलब ये एस्टिमेटेड है कि वो एडसेंस से इतना पैसा कमा रहे हैं, $560,000। होल्ड कीजिए एक मिनट। ओके ओके गाइस, ठीक है जी। नहीं नहीं ये फ्री नहीं है, ये आपको पेड लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री में भी काफी सारा डाटा आपको दिखा देता है। मैं अभी फ्री में ही देख रहा हूँ आपके सामने, अभी मुझे नहीं पता कब इस पे लिमिट लग जाएगी, सही है? तो जब तक लिमिट नहीं लगती आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पेड टूल्स हैं सारे के सारे। अभी आप यहाँ पर देखें तो ये शो कर रहा है कि इसके कौन कौन से कीवर्ड से कितनी ट्रैफिक आ रही है। विकी हाउ लोग सर्च करते हैं, 1,65,000 बंदा सर्च करता है गूगल के ऊपर, ठीक है, और ये वन पे है, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है गूगल डॉट कॉम में। हाउ टू के ऊपर ये लोग फर्स्ट पोजीशन पे हैं, हाउ टू बहुत बड़ा कीवर्ड है, 2,46,000 इसके ऊपर सर्चेज हैं मंथली, सिर्फ हाउ के लिए ये दूसरे नंबर पे हैं, सही। तो इसके अलावा आप यहां से कीवर्ड्स फिल्टर भी कर सकते हैं, मैं अगर यहां पर कीवर्ड का कोई फिल्टर लगा दूं, मेरे ख्याल से होगा नहीं, फ्री टूल में फिल्टर नहीं लगेगा। चलो मैं ड्यूरिंग सेशन अरेंज करता हूं, जो हमारी SEO RDP सर्विस है जी, बिल्कुल ये पेमेंट पे चला जाएगा। तो इसके अलावा कौन सा टूल होता है, दैट इज Ahrefs। ये तो ठीक है, ठीक है जी। वैसे $70 पर मंथ पे मिलता है ये, और मतलब बहुत गुड टूल है, इट पेज द प्राइस, मतलब ये चीज नहीं है कि आपको कॉस्टली है, लेकिन इसका हल है हमारे पास इजी वाला, उसकी टेंशन वाली की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग जाते हैं, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहन में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।